के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज विश्व टीबी दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेवाड़ी में विशेष वैन चलाई गई, जिसमें एसएमओ और टीबी विशेषज्ञों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सामान्य अस्पताल में टीबी पर एक सेमिनार भी आयोजित किया गया जो मां के चरणों में आता था। आज देखिए वर्ल्ड टीबी डे है और इस दिन पूरे ही विश्व में टीबी के बारे में, टीबी की जानकारी के बारे में लोगों को अवगत करवाया जाता है, अवेयरनेस की जाती है कि भाई टीबी क्या बीमारी है, कैसे फैलती है, इससे क्या क्या बचाव कर सकते हैं। तो मेन हमारा पब्लिक में जो है फैलाने की जो बात इसकी यही है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी किसी भी व्यक्ति को है उसको टीबी की संभावना पूरी पूरी हो सकती है। अपनी बलगम की जाँच मुफ्त करवाएँ, सरकारी संस्थाओं में उपलब्ध है। बुखार आता हो शाम के टाइम पे, भूख कम हो रही हो, वजन कम हो रहा हो, बलगम के साथ खून अगर आ रहा हो तो टीबी के एक मुख्य सिम्टम्स ये लक्षण होते हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो सरकारी संस्था में मुफ्त अपना बलगम की जांच करवा सकता है और मुफ्त इलाज उपलब्ध होता है। अब सरकार ने अभी इसी नई सेशन में, नई फाइनेंशियल ईयर में एक और भी योजना शुरू करी है, जो भी व्यक्ति टीबी का इलाज करवाएंगे उनको हर महीना 500 रुपये पर मंथ उसको खाने खुराक के टाइप में दिया जाएगा। 500 रुपये, हाँ, आज विश्व टीबी दिवस है और आज के दिन हम सभी, यानी कि जो जितनी भी जनसंख्या है उसको टीबी के बारे में जागरूकता करते हैं। खासकर रूरल और अर्बन में तो ज़्यादातर को मालूम है, लेकिन रूरल में हम लोग जाते हैं, हमारे टीबी अफसर हैं वो रूरल एरिया में जाते हैं, हमारे जो स्टाफ के और बंदे हैं जैसे ANM हुई, आशाएँ हुई, इन सबको हमने सिखा रखा है। इनका हम सेमिनार वगैरह भी लेते हैं और ये सब लोग जनता को बताते हैं भाई टीबी ना कोई बहुत बुरी बीमारी नहीं है, सिर्फ उसकी जानकारी लो और ट्रीटमेंट, सबसे आसान ट्रीटमेंट टीबी।